बुलंदशहर, आपको बता दें अनुशहर ऐतिहासिक लक्की कार्तिक पूर्णिमा मेले का हुआ आयोजन। गंगा के दोनों किनारे लगा मेला, लाखों श्रद्धालुओं ने मां गंगा में अपनी श्रद्धा की डुबकी लगाकर मांगी सुख समृद्धि की कामना। हर हर गंगे के जयकारों से गूंज उठी काशी। गंगा पुल रेती तंबुओं की नगरी आकर्षण केंद्र बना। यह गत वर्षों से श्रद्धालु तंबुओं की नगरी बनाकर मेले का आनंद उठाते हैं। सेवा भारतीय, ओम शांति, ब्रह्म कुमारी, प्रजापति, ईश्वरीय विश्वविद्यालय, स्काउट गाइड, एनसीसी, सामाजिक संस्थाओं ने अपनी अपनी सेवाएं दी। खोया पाया कैंप लगाया गया। बिछड़े हुए सामाजिक संस्थाओं के सेवादारों ने मिलाया एकादशी को एक श्रद्धालु बागी, ट्रैक्टर, घोड़ा, तांगा आदि देकर गंगा पुल के नीचे डेरा डालते हैं। गत वर्षों की भांति छोटी काशी अनूप शहर में ऐतिहासिक लक्की कार्तिक पूर्णिमा मेले का आयोजन नगर पालिका के अध्यक्ष ब्रजेश गोयल एवं मेला मजिस्ट्रेट एसडीएम नवीन कुमार के नेतृत्व में हुआ। नगर पालिका के द्वारा श्रद्धालुओं के लिए महिला वस्त्र, चेंजिंग रूम में गोताखोर, स्टीमर नाव, पीएससी प्लाटून, पीएचएल मोबाइल, शौचालय, रेन बसेरा आदि की व्यवस्था की। जनपद बुलंदशहर के सिद्ध बाबा घाट, अवंतिका देवी मंदिर घाट, अनूप शहर कड़वास, राजघाट, नरोरा, रामघाट के गंगा घाटों पर प्रशासन की मौजूदगी में अपनी आस्था की डुबकी लगाकर सुख समृद्धि की कामना की। मेला को पूरी तरह से तिरछी आंख सीसीटीवी कैमरा से देखा गया। टीएम की शक्ति के बावजूद भी संभल की ओर से आने वाली भारी वाहन एवं बुलंदशहर से आने वाली भारी वाहन अनूप शहर के मेला क्षेत्र से गुजरे, जबकि बुलंदशहर अनूप शहर रोड स्थित जटवाई के पास भारी वाहन में भीषण हादसा हुआ। उसके बावजूद भी अधिकारियों की आंखें नहीं खुली। मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए डीएम चंद्रपाल सिंह एवं एसपी श्लोक कुमार सिंह, एसपी सुरेंद्र नाथ तिवारी, एसपी आरए बजरंगबली चौरसिया आदि ने पूरी मशक्कत की और इसी के साथ चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रही। देखिए बुलंदशहर से रविंद्र कुमार इंसा के साथ योगेंद्र प्रजापति की खास रिपोर्ट।